3 अक्टूबर 2023 नेपाल में 6.2 एवं 4.6 तीव्रता के दो भूकंप। 3 अक्टूबर 2023 भारत के अनेकों राज्यों में भूकंप के झटके। 3 अक्टूबर 2023 सिक्किम में भयंकर खंड प्रलय। पिछले एक सप्ताह से मैं लगातार आप सबको 26 सितंबर से आरंभ हुए 67 अंक एवं 3 अक्टूबर से आरंभ हुए पिशाच योग से सतर्क कर रहा था और आज संपूर्ण चित्र हमारे सामने है। परंतु यदि भविष्य मालिका की माने तो कहानी अभी बाकी है बंधु। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। 3 अक्टूबर 2023 के दिन 27 दिनों का पिशाच योग आरंभ हो चुका है। परंतु इस पिशाच योग का आरंभ ऐसा होगा किसी ने भी नहीं सोचा था, केवल आपको और मुझे छोड़कर। क्योंकि पिछले एक सप्ताह से घटना घटित होने से पूर्व ही मैंने आप सबको सतर्क कर दिया था और स्पष्ट कहा था कि क्या क्या होने वाला है। यदि आप इस परिवार में नए हैं तो सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्रमाण के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा। 3 अक्टूबर को नेपाल 6.2 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप। 3 अक्टूबर को पुनर्वार उसी नेपाल में 4.6 तीव्रता का भूकंप। 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में 4.3 तीव्रता का भूकंप। 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान में 4.7 तीव्रता का भूकंप। 3 अक्टूबर को आसाम में 3 तीव्रता का भूकंप। 3 अक्टूबर को हरियाणा में 2.7 तीव्रता का भूकंप। इन सबके अलावा वेस्ट बंगाल, दिल्ली NCR समेत भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप के झटके अनुभव हुए थे। परंतु मैं केवल उन्हीं तथ्यों को प्रकाशित कर रहा हूं जिनको भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने प्रकाशित किया है। 3 अक्टूबर का दिन भारतीय उपमहाद्वीप अर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भय एवं आतंक का रूप धारण करके आया था। नेपाल के बझांग जिले में सबसे अधिक विनाश हुआ है। अनेकों घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए, अनेकों घर खंड खंड होकर बिखर गए। भूकंप के कारण भयंकर लैंडस्लाइड्स ने बचा हुआ कसर पूरा कर दिया, अनेकों लोग घायल हो गए, कुछ का स्थिति तो गंभीर बना हुआ है। नेपाल के जितने भी सदस्य यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके वहां की परिस्थिति के विषय में अधिक तथ्य प्रकाशित करें और मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी भाई बहन सुरक्षित होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि नेपाल के लोगों को इस भयंकर विनाश से लड़ने की शक्ति दे। 3 अक्टूबर का कहानी केवल भूकंप तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, भारत के नॉर्थ सिक्किम अंचल में ऐसा विनाश आरंभ हो गया जिसका कल्पना किसी ने नहीं किया था। नॉर्थ सिक्किम अंचल में अचानक बादल फटने के कारण ऐसा भारी बारिश हुआ कि तीस्ता नदी में बाढ़ आ गया एवं उसके बाद ऐसा खंड प्रलय का आरंभ हुआ जो कि सिक्किम के लोगों ने कभी नहीं देखा था। भारतीय सेना के 23 जवान उस बाढ़ में लापता हो गए। आर्मी के कैंप्स तहस नहस हो गए। असंख्य वाहन जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बाइक्स एवं छोटे छोटे दुकानें सब कुछ बह गए। केवल इतना ही नहीं, नॉर्थ सिक्किम का प्रमुख हाईवे एवं अनेकों ब्रिजेस भी उस भयंकर प्रलय को झेल ना सके। सरकारी आंकड़े के अनुसार करीब 15,000 लोग इस खंड प्रलय से प्रभावित हैं। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। स्पष्ट आंकड़े बहुत जल्द प्रकाशित होंगे। कुल मिलाकर कहूं तो नॉर्थ सिक्किम के अंचल का संपर्क बाकी के भारत से टूट चुका है। यह खंड प्रलय तब हुआ जब लोग रात के समय या तो सो रहे थे या सोने की तैयारी में थे। अचानक बादल फटने से भयंकर गर्जना सुनाई दिया एवं इससे पूर्व की कुछ समझ आता जल प्रलय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिक्किम से जितने भी सदस्य यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया कॉमेंट करके वहाँ के परिस्थिति के विषय में हमें अधिक जानकारी प्रदान करें एवं मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको इस आपदा से लड़ने की शक्ति दे। 27 सितंबर 2023 यूट्यूब वीडियो अध्याय 878 में मैंने स्पष्ट कहा था कि जगन्नाथ धाम में 67 अंक आरंभ हो चुका है एवं इसी 67 अंक में भारत तथा विश्व में भयंकर जल प्रलय होगा। 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक बाढ़ के कारण इमरजेंसी यानी आपातकाल एवं 3 अक्टूबर को सिक्किम में भयंकर खंड प्रलय। 2 अक्टूबर 2023 यूट्यूब वीडियो अध्याय 883
डायरी में मैंने इंदु के बाद बिंदु के विषय में कहा था, भविष्य मालिका के रचयिता सभी पांच संतों के वाणियों को एक एक करके डिकोड एवं ट्रांसलेट करके सभी तथ्य आपके समक्ष रखा था। केवल इतना ही नहीं, 22 सितंबर 2023 यूट्यूब वीडियो अध्याय 873 में मैंने स्पष्ट कहा था कि 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 27 दिनों का पिशाच योग आरंभ होने वाला है, जिसमें परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाएगा। 67 अंक इंदु के बाद बिंदु, पिशाच योग, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, रात दिन एक करके इतने सारे प्रमाण, इतने सारे तथ्य लगातार बिना रुके बिना थके आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे एवं युग परिवर्तन के इस कालखंड को समझ पाए। वहीं दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा था कि सितंबर से ही सभी के कर्मों का अंतिम विचार होगा। वर्तमान भारत का ईडी, सीबीआई, एनआईए, रॉ, ये सब क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक क्या हो रहा है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रति बीतते दिन के साथ संकटों का संख्या एवं स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। कुछ सदस्य कमेंट करते हैं कि यदि ऐसा प्रलय होने वाला है तो हम नौकरी क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें, घर में आराम से बैठकर मृत्यु का अपेक्षा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवार के सदस्यों को देखा, तब अपने धनुष को नीचे रख और कहा कि मैं मेरे अपनों से कैसे लड़ सकता हूँ, ऐसा घोर पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्रोधित होकर कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम नहीं लड़ोगे तो सामने जिसको तुम अपना परिवार कह रहे हो वही लोग तुम्हें मार देंगे। उठा धनुष, चला तीर और सिद्ध कर दे कर्म एवं धर्म का सिद्धांत। मनुष्य जन्म का सबसे पहला सिद्धांत है कर्म एवं धर्म का, क्योंकि प्रत्येक विनाश के बाद नया निर्माण भी होता है, मृत्यु के बाद पुनर्वार जन्म भी होता है। ये संसार बदलता रहता है, युग भी बदलते रहते हैं, हमारा शरीर भी बदलता रहता है, परंतु जो नहीं बदलता वो है आत्मा एवं उस आत्मा के साथ जुड़ा कर्म। एक यही कर्म ही है जिसके आधार पर पाप पुण्य का विचार होता है। इसी कारण अपने कर्तव्य पथ से कभी न भटकना, उन आंधियों से कभी भयभीत न होना, ये तो सृष्टि का नियम है मेरे मित्र, एक कभी न रुकने वाला चक्र है। इससे मुक्ति पाना है तो कर्म एवं धर्म के पथ से कभी न हटना। क्या आप बता सकते हैं कि सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि भविष्य मालिका के अधिकांश ग्रंथों को ओडिशा में कहां पर सुरक्षित रखा गया है। सही उत्तर है नेमाड़ो धाम के निकट शिष्य रामदास जी के वंशज के घर के एक गुप्त कोठरी में। विजेता का नाम है पूनम कुमारी। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।